तो आज का ब्लॉग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ माय हेयर एसेसरीज। बहुत सारी है स्माइरा के पास हेयर एसेसरीज। आपने स्माइरा का स्टेशनरी कलेक्शन ब्लॉग देखा होगा, जितनी स्टेशनरी थी उससे ज्यादा हेयर एसेसरीज है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बास्केट है, कितना छोटा सा बैग है, लेकिन इस बैग में बहुत सारी हेयर एसेसरीज है। शुरुआत करते हैं हम इस बॉक्स से, इस बास्केट से। ओके ओके, खुल जा सिम सिम। ये पूरी बास्केट भरी हुई है। सबसे पहले मेरा फेवरेट पिंक कलर का हेयर बैंड। ये पिंक है इसलिए मेरा फेवरेट नहीं है, ये स्माइरा के सूट बहुत करता है क्योंकि इसका जो डिजाइन है पर्ल्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब स्माइरा इसको पहनती है। आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा स्माइरा ने पहना हुआ है, और जब सारा कलेक्शन हम आपको दिखा देंगे तो हम अपना अपना फेवरेट हेयर बैंड आपको बताएंगे कि किसका कौन सा है। मैंने अपना बता दिया। ओके, और ये जो मैंने हेयर बैंड पहन रखे है ये पापा का फेवरेट है। चलो स्माइरा का रह गया, पापा का भी बता दिया, मेरा भी हो गया। तो ये था पिंक, अब हम आपको दिखाते हैं सारे पिंक कलर के। ये है रेनबो हेयर बैंड जिसमें सारे कलर्स है, पिंक है, पर्पल है, येलो है, येलो शेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, जो रेनबो में नहीं होता है वो भी कलर है। यस, वन मोर पिंक। ये जो हमने पिंक चैलेंज बनाया था उसमें मम्मा और पापा ने मेरे को ये हेयर बैंड दिया था, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। स्माइरा की तरह। ओके, आफ्टर दैट ये वाला मेरा फेवरेट है। ये आपका फेवरेट है? यस, ये टू इन वन कलर है, सिल्वर भी हो जाता है और पिंक भी हो जाता है क्योंकि ये सीक्वेंस वाला है। यस, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया पिंक, और ये हेयर बैंड का मुझे नाम तो नहीं पता है पर ये भी बहुत अच्छा है हेयर बैंड। ये मल्टी कलर का हो गया ना, देखो इसमें भी सारे कलर्स हैं। यस, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, गोल्डन, रेड, गोल्डन, सारे कलर्स आ गए इसमें भी। और पिंक कलर का स्माइरा के पास क्या है, विल सी। ये है फ्रिल वाला हेयर बैंड। पिंक कलर के हैं बहुत सारे मेरे पास हेयर बैंड, सारे कलर्स हैं, नॉट ओनली पिंक, आप देखते जाइए। ये है पॉम्पॉम वाला हेयर बैंड, मेरे पास पॉम्पॉम वाले बहुत सारे हेयर बैंड्स हैं। और ये हेयर बैंड्स पॉम्पॉम वाले पता है कब परचेज किए थे हमने, जब स्माइरा टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, राइट? यस, बहुत सारे कलर्स हमने परचेज किए थे तब, और वैसे के वैसे पड़े हैं। न्यू स्माइरा अपनी चीजें बहुत संभाल के रखती है। यस, फ्यूचर में काम आ जाएगी। ये जब हम टिकटॉक की वीडियोस बनाते थे ना तो मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था कि हाँ पॉम-पॉम वाला हेयर बैंड में मजा आएगा, ऐसे ऐसे मैं खेलती भी रहती थी जब मेरे को ब्रेक मिलती थी। ये लो वन मोर पिंक। पिंक ये ग्लिटर वाला है और सीक्वेंस वाला है, इसको मैंने कभी भी नहीं पहना है। एक बार पहना है शायद, लेकिन वीडियोस नहीं बनाई शायद हमने इसमें, राइट? नहीं। पिंक कलर आई थिंक है अभी। ये मिकी माउस वाला है, मिनी, जो मिनी है? होती है ना उसके वो सारे बोज है, लेकिन ये खराब हो गया यहाँ से। यस, ये बहुत कम यूज किया स्माइरा ने। यस, और आज आप मेरी हेयर एक्सेसरीज देख रहे हो तो आपको एक यूनिक हेयर बैंड देखने को मिलेगा। ओह, इज इट? यस, मुझे तो ये बात पता ही नहीं है, मैं तो लगाती रहती हूँ, मुझे तो पता है ना। चलो अब पिंक हो गए सारे। देखिए पिंक में आपका फेवरेट कौन सा है आप बताइए कमेंट्स में, उसके बाद हम नेक्स्ट कलर पर बढ़ते हैं। ओके स्माइरा, मेरे है 2, 1 और सेकंड ये पॉम-पॉम वाला। मेरा ये, स्माइरा के पापा का फ्लावर वाला, राइट?
उसके बाद हम चलते हैं व्हाइट कलर की तरफ। ये रैबिट वाला हेयर बैंड है व्हाइट कलर का और रैबिट की फर से बना हुआ है। यस कितना क्यूट है ना, पर्ल्स भी लगे हुए हैं। ये लो फिर से पॉम-पॉम वाला हेयर बैंड। मेरे को इतना बड़ा पैक मिला था पॉम-पॉम के हेयर बैंड का। उसके बाद देखो उलझे पड़े हैं अंदर। ये बहुत बड़ा हेयर बैंड ये मैं पहन कर दिखाऊंगी आप सबको। यस मायरा ने एक शूट पे पहना था, राइट मायरा? आपको याद है कब पहना था हमने? जब हम रिजोर्ट गए थे आपके शूट के लिए। यस तब आपने वियर किया था, बहुत सुंदर लग रहा था। बैक से भी दिखाओ, बहुत प्रेटी है ये। यस प्रिंसेस लगती है इसको पहन के मायरा। ठीक है व्हाइट, उसके बाद व्हाइट कौन सा है आपके पास? ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट नॉट वाले हेयर बैंड बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो नॉट वाले और ये पॉम-पॉम वाले। व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद है ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू एंड व्हाइट व्हाइट हेयर बैंड के ऊपर है ब्लू कलर। ये जो कलर है ना, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में इसकी ड्राइंग की थी, इस कलर की बैलून बनाया था और इस वो बैलून के अंदर मैंने यही सेम कलर किया था, व्हाइट के ऊपर ब्लू डॉट्स। yes. मेरे को तो दिखाई नहीं आपने अपनी आर्ट, क्योंकि वो बुक स्कूल में है। जब आपको घर पे मिलेगी ना फिर हम देखेंगे। ओके और हम यूट्यूब फैमिली को भी दिखाएंगे। उसके बाद है पिंक एंड व्हाइट सेम, ये इसके साथ मैच होते हैं। शेप सेम है पर डिजाइन थोड़ा अलग है। व्हाइट देन ये भी व्हाइट में काउंट होगा। यस ये भी शायद तक मैंने कभी भी यूज नहीं किया, याद नहीं है, इतने सारे तो हैं, क्या यूज किया है क्या नहीं किया है याद ही नहीं रहता है। yes. ये सारे हुए हैं लेकिन कम किया होगा, किया तो है, ऐसा तो हो नहीं सकता। व्हाइट आई थिंक खत्म, नहीं एक और है, फिर से ब्लैक एंड व्हाइट है। ये भी है रैबिट वाला हेयर बैंड। एक मेरे पास और था ना व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लू अंदर ही होगा, निकल रहा है धीरे धीरे, आ रहे हैं बाहर, आ जाएगा वो भी। ओके ये ब्लैक डॉट्स की जगह ब्लू कलर था, पता नहीं वो इस बास्केट के अंदर है या टूट गया है। हमें इतना भी नहीं पता होता है। यस नाउ व्हाइट खत्म हो गए, नहीं है निकल रहे हैं मुझे हर बार यही लग रहा है खत्म हो गए। ये सॉफ्ट सा व्हाइट, यस इसके ऊपर भी पर्ल्स है। अब हम चलते हैं कौन से कलर की तरफ सुमायरा? रेड। रेड या ब्लैक? रेड। रेड ओके रेड। ये भी नॉट वाला हेयर बैंड है मेरा फेवरेट। पर जब मैं इसको लगाती हूँ ना मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि भारी है हेयर बैंड इसीलिए कम लगाती है। yes. अच्छा व्हाइट में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? ये व्हाइट कलेक्शन है, कमेंट्स कर दो जल्दी से। और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर भी है। चलो रेड का एक हो गया, उसके बाद इसकी हालत हो चुकी है खराब, रेड एंड ब्लैक की। ये ऐसा हो गया ये कौन सा मिनी है मिक्की है? ये मिक्की है, ये मिनी है, ये भी मिनी है। मुझे तो सारे एक जैसे से लगते हैं, पता नहीं मिनी मिक्की में डिफरेंस क्या है। ये आए एक पैक में थे पर आती मैंने खोल दिया। नहीं वैसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मिनी और मिक्की में क्या डिफरेंस होता है, मुझे नहीं पता ये मिनी है या मिक्की है। ये मिक्की है, मिक्की एक भाई है और मिनी एक बहन। अच्छा मिनी पिंक होती होगी, मिक्की रेड होता है। यस रेड एंड व्हाइट। ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, भाई बहन वाली। ये लो ये है रेड येलो एंड व्हाइट, बट ये रेड ही है। यस ऐसे मेरे पास तीन हेयर बैंड थे। कौन कौन से कलर के? ब्लैक था और रेड था, दो ही थे। नहीं तीन थे।
तीसरा कौन सा था? तीसरा शायद तक येलो था। येलो था, चलो देखते हैं। पड़ा पड़ा इसका कपड़ा निकल गया है, टूटा नहीं है ये, फट गया है। अब ये क्या, भाई है बहन है? ये भैया और ये है यूनिक हेयर बैंड और ये टूट चुका है। ये फिक्स हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ये हेयर बैंड भी है और हैट भी है। ये गर्मी से बच सकते हैं अगर गर्मी है तो। ये लो, ये है रोज वाला, इसको कन्नड़ में बोलते हैं किंग गुलाबी। किंग गुलाबी, गुलाबी तो पिंक कलर होता है। पिंक कलर भी होता है पर मेरी टीचर्स बोलती है रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है। हाँ गुलाब तो, हाँ गुलाब, गुलाब में बहुत सारे कलर्स होते हैं। वो गुलाबी नहीं है, ये गुलाब वाला गुलाबी है। एक रेड रह गया स्माइला। ये मैरून है, मैरून पीछे रेड है, बट ये रेड में काउंट होगा। यस, ये व्हाइट के जैसा ही है ना, इसके जैसा है। सेम सेम सेम, टू पैक्स मिले थे मेरे को। अभी है रेड कलर का सेंटा वाला। ये मैंने कब पता कब लिया था, हम कोई मॉल में गए थे और मैं 3 साल की थी, तो ये मैंने तब लिया था। और सेंटा बेचारा वैसे का वैसे ही पड़ा है, स्माइरा बड़ी हो गई है। और भी है सेंटा वाले हमारे पास। यस, हम आपको दिखाते हैं। सेंटा ने अपनी जगह चेंज कर ली है, यहाँ पे थे। ऊपर ले जाओ इनको। ये स्नोमैन है, स्नोमैन। अच्छा स्नोमैन है, उस पे सेंटा थे। वो सेंटा है, ये स्नोमैन है। ओके, ये शिमला में बनते हैं ठंड में, आइस में। यस, कौन सा था? रेड ना, रेड ओवर आई थिंक। एक ये है देखो, सिल्वर और रेड, जिसपे स्माइरा का नाम लिखा हुआ था लेकिन अल्फाबेट्स टूट गए। आर और ए मिसिंग, इसके अंदर ही होंगे, मैं फिक्स करूंगी इसको। आर और ए गायब हो गया। समय समय समय। अभी हम दिखाते हैं आपको ब्लैक कलर के। येलो दिखाओ, येलो ब्लैक, पहले ब्लैक। ये है स्प्रिंग वाला हेयर बैंड। ये लो, ये रैबिट वाला हेयर बैंड है, यहाँ पर पर्ल्स लगे हुए हैं। और इसकी हालत हो चुकी है खराब, ऐसे ऐसे हो चुका है। वो तो बास्केट में पड़े हैं ना, इसीलिए वेट आ जाता है ना। ये इतनी सारे तो हेयर बैंड है मेरे पास। ये भी यहाँ पर छोटे छोटे बीड्स है और ये ऐसे घूमते रहते हैं सारा दिन। अगर मैं अपना सिर ऐसे हिलाती हूँ ना तो वो नाचते हैं, रहते हैं। नाचते हैं, ये डांसर है ये। ये लो, ये भी है एक ब्लैक हेयर बैंड। ये फिर से ब्लैक एंड व्हाइट है। इसके साथ एक और भी हेयर बैंड आया था ब्लैक कलर का, हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये सेट से मंगवाए थे, याद नहीं है मुझे तो, बहुत टाइम पहले की बात। 4 साल पुरानी है तो कहाँ याद रहता है, 4 साल में क्या क्या हो जाता है, नहीं याद रहता है। Yes. ये लो ब्लैक, वन मोर ब्लैक एंड व्हाइट। ये मेरा फेवरेट था पर पता नहीं ऐसे हम बहुत अच्छे अच्छे हेयर बैंड लेकर आ गए, वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद हो गए और इनको मैंने छोड़ दिया। बट ओल्ड इज गोल्ड। यस, आप इसको यूज करो अब। यस, अब मेरे को मिल रहे हैं, हम हेयर एक्सेसरी अब सारी खोल रहे हैं तो अब मेरे को सारे मिल रहे हैं। अरे ये हेयर बैंड में कब से ढूंढ रही थी, मिल गया। इसके साथ एक ग्लू भी आया था, इसके साथ ग्लू। ये देखो, हाँ पहले हम ब्लैक दिखा रहे हैं ना, पहले ब्लैक खत्म करते हैं। ब्लैक आई थिंक नहीं, ये है क्राउन। ये भी मैंने एक फोटोशूट पर लिया था, ब्लैक कलर की ड्रेस के साथ। शेप खराब हो गई। नहीं ये होता ही ऐसे है स्माइरा, इसको हेड पे जस्ट रखना होता है। पूरा सर्कल होता था पहले। हाँ तो इसको आप प्रेस कर दो, इसके अंदर वायर ही तो है, इसको आप प्रेस कर दो, ये वैसे ही हो जाता है बस। ऐसे बस। अरे ये
तीनों का सेट आया था। अच्छा यही थर्ड वाला था। यस। मिल गया आपको फाइनली। यस। ठीक है अभी हम दिखाते हैं आपको ब्राउन कलर, ब्लैक में कौन सा अच्छा लगा कमेंट कर दो जल्दी से। नाउ ब्राउन, हम ब्राउन दिखा रहे ना, ब्राउन में पॉम-पॉम वाला निकल जाए ना मजा आ जाएगा। होगा तो निकल ही पड़ेगा। यस। ये मेरे पास एक ऐसी ड्रेस थी उसके साथ मैंने लिया था मैच कर H&M से। वन मोर ब्राउन। ऐसा मम्मा के पास सूट था पूरा मैच करता था। मम्मा ने एक दिन वो सूट पहना, मम्मा को मैंने बोला मम्मा ये हेयर बैंड लगा लो बहुत ज्यादा मैच करेगा। नहीं मैंने बोला आपको ऐसी ड्रेस ले देंगे बजाय मैं आपका हेयर बैंड पहनूं, आपको मैं ऐसी ड्रेस ले देती हूँ तो आप पहन लेना इसको। लेकिन हमें ड्रेस मिली नहीं स्माइरा के लिए। अगेन ब्राउन। ब्राउन ऐसा एक पिंक भी था पता नहीं कहाँ है। ये मेरे को कोलैब में मिला था। बहुत सारी एक्सेसरीज ऐसी हैं जो स्माइरा को गिफ्ट भेजी थी, मतलब कोलैबोरेशन स्माइरा ने की थी इंस्टाग्राम पे। हाँ ये भी कोलैब था। और ये गोल्डन है, वो है वाइट। एक देखो ये रह गया ओनली बीड्स वाला। एक ये रह गया, ये मैंने दिवाली पर पहना था। आपको इतना याद रहता है? यस याद रहता है। अभी हम दिखाते हैं आपको पीच कलर के। पीच, पीच में वो पॉम-पॉम वाला निकल सकता है। चलो देखते हैं पीच। ये फ्लावर वाला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पीच में। ये मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर आते रहते हो, आग बंद हो जाती है तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो आप इसको साइड पे कर सकते हो, ऐसे हैंग कर लो इसको। मैं करती हूँ, आप कहते हो इसको फ्रंट रख, इसको फ्रंट रख। कब बोला है मैंने? आपने बोला है। मैंने बोला है कि यहाँ पे रखो, अगर आपकी आईज पे आ जाए तो आप साइड पे कर लो। नॉटी गर्ल। पीच। ये मेरे को लगते है चार आए थे, चार का सेट था। एक और निकलेगा तो पांच आए थे। नहीं चार था, ये मेरे को पक्का याद है कि ये भी आया था। चलो आया होगा फिर। मम्मा को भी पसंद नहीं आया, मम्मा कहती फ्लिपकार्ट में रिटर्न कर दी इसको। कब बोला मैंने? बोला था आपने। अब आपको अभी याद बोल रही है चार साल पहले। मेरे को तो इतना भी याद नहीं है कि चार साल पहले हमने ये ऑर्डर किए थे और रिटर्न कर दे। आपने बोला था। चलो बोला होगा फिर आपने कर दिए, मेरी बात मान ली। नहीं नहीं, मेरे दिमाग तेज है तो मेरे को सब कुछ पता है कि आपने क्या बोला था। चलो ठीक है आपका दिमाग तेज है, आप बादाम खाते हो मुझे देते नहीं हो ना इसीलिए। अभी हम आपको दिखाते हैं येलो। येलो 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 डर्टी फेलो। येलो येलो नीटी फेलो। ये ले तेरा नोट वाला, ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं पहनती बहुत ज्यादा कम हूँ। बहुत ज्यादा कम? What is this? मिक्स हो गया। Yes. ये ले तेरा फेवरेट पॉम-पॉम वाला। येलो भी बहुत सारे हैं स्माइरा वाले। ये ले येलो प्लेन। ये प्लेन डियर वाला। डियर वाला ये जब क्रिसमस आता है ना, क्रिसमस के टाइम में मैं इसको बहुत ज्यादा पहनती हूँ। इस बार तो नहीं पहना आपने, इस बार सेंटा बनी थी है। सेंटा थोड़ी ना हेयरबैंड पहनते हैं। हेयरबैंड पहनते नहीं है, जब क्रिसमस ईव थी तब हमने व्लॉग शूट किया था। हम गए थे ना पार्टी पे, फिर आप सेंटा वाला पहन के गए थे हेयरबैंड। ये कब पहना था? ये मैंने पहना, लास्ट ईयर पहना होगा, पर मैंने पहना था। पहना होगा याद नहीं है। चार साल पहले पुरानी बात याद है पर आज की बात याद नहीं है। देखो देखो देखो। चलो ग्रीन पॉप-अप वाला। ये ग्रीन वाला जब मैंने पहना था ना, तब मैंने फर्स्ट व्लॉग शूट किया था समायरा नेरुला ऑफिशियल पर। यस नो अबाउट मी हमने बनाया था ना। अच्छा तब वो हेयर बैंड पहना था। यस yes. क्या दिमाग आजकल के बच्चों का। ये भी है ग्रीन कलर का हेयर बैंड। ब्लू हमने दिखाया या नहीं? नहीं नहीं
ये ब्लू कह सकते हो आप इसको, स्काई ब्लू कह सकते हो, ग्रे भी कह सकते हो। तो ये वैसे तो पिन है साइड पे लगाने के लिए। मायरा ने 8 मिलियन सेलिब्रेट किया था तब पहना था शायद ये वाला, आई थिंक इस कलर की ड्रेस के साथ। हमारी कोलैब आई थी ड्रेस की, ड्रेस की तो हमने फोटोशूट करवाया था, करवाया था, किया था हमने घर पे, नहीं करवाया था अब जब ये पहना, रिजॉर्ट में करवाया था। अच्छा, वो तो पुरानी बात है ना, तो अभी रिसेंट भी तो पहना था हमने यूट्यूब के 8 मिलियन उस पे सेलिब्रेशन, हमने वो हेयर बैंड पहना था, ये पहना था बेबी। चलो याद नहीं है मुझे, हाँ बादाम का असर नहीं हुआ। पुराने बादाम जो खाए हुए ना इसने, उसका असर है, नए बादाम जो खाए उसका असर नहीं है, नहीं नहीं है ना, नहीं है। तो मैंने फोटोशूट पर ये पहना था और वो ड्रेस मम्मा ने ऊपर रख दी है, बहुत ऊपर, पता नहीं है वो अलमारी में जो ऊपर वाली ड्रॉर होती है मम्मा ने वहां पर रख रखी है। तो आप पहनते नहीं, इतनी हैवी ड्रेस है तो मैं स्टोरेज में रखूंगी ना, कबड़ में इतना स्पेस नहीं होता है। चलो ये भी है एक लाइट ब्लू, ये है यूनिकॉर्न वाला हेयर बैंड, ब्लू कलर, ब्लू एंड व्हाइट, मैंने बोला था ना ऐसा है मेरे पास हेयर बैंड, पर मैंने ऑपोजिट कलर बोला था। ये भी ग्रे कलर, पॉम पॉम वाला, कितने आगे पॉम पॉम वाले, फाइव फाइव, यस फाइव पॉम पॉम। ये ग्रीन भी एक रह गया आपका, ग्रीन ये मैंने बाहर से लिया था पिछले साल। अब एस्मायरा के यूनिक हेयर बैंड्स, यूनिकॉर्न वाला, ये टू यूनिकॉर्न वाले हैं। ये जब हमने 400 की सेलिब्रेट किए थे शायद, तब पहना था, नहीं जब मेरे 6 मिलियन हुए थे तब, नहीं 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 नहीं, ये 100 के पे पहना था एस्मायरा नरूला एंड फैमिली पे, यस 100 के पर मैंने ऐसी एक ड्रेस पहनी थी उसके साथ के मैचिंग हेयर बैंड आया था मुझे, यस यस टू यूनिकॉर्न वाले हेयर बैंड। तो मम्मा ने एक बादाम खाया था उसका असर है। ये है क्राउन, ये कब पहना था, कब लिया था बताओ, मेरी 6th बर्थडे पर, करेक्ट 6th बर्थडे पर, मम्मा को दूसरे बादाम का भी असर है। मम्मा का असर बाहर आ रहा है धीरे धीरे, खाए तो बादाम मम्मा ने भी है, टेढ़ा लगाया आपने, चलो कोई बात नहीं। ये भी एक फैंसी हेयर बैंड है स्माइला का, ये मैंने दिवाली पर लगाया था, ये तो अभी अभी दिवाली गई है याद है इसको, 2-3 महीने पुरानी बात है, यस 2-3 महीने भी नहीं हुए शायद अभी। ओके, और एक और क्राउन है, दो क्राउन कैसे आ गया आपके पास, ये 5th बर्थडे का है और ये 6th बर्थडे का है। अच्छा ऐसा भी है, यस ऐसा भी है, बस ये तो वैसे ही है, हम आपको दिखा देंगे YouTube फैमिली को। क्या ये पिंस है ना, ये टूटी हुई है, ये तो अच्छा वाला है, ये टूटा हुआ है, ऐसा मेरे पास ब्लू भी था पर अब मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रखा था, क्या पता इसमें हो। इसमें सारी पिंस है स्माइरा की, रेड पिन, ये है बीट्स, ब्लू पिन, इसका पेयर था शायद मिल जाए अंदर, और ये है एक प्रिंसेस वाला, ये मरमेड है एक्चुअली पर इसको मैं प्रिंसेस मानती हूँ क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगता है। ये है साइड कॉम, साइड पिन सिल्वर कलर की, ये है कॉम वाली पिन, यहाँ से कॉम हो जाता है और जो जहाँ पर भी हम ये पिन लगा रहे हैं वो जगह स्मूथ हो जाती है और फिक्स हो जाती है। ये देखो क्यूट सी रैबिट वाली, ये हेयर एक्सेसरीज हैं, ये मिक्स हो गया देखो सारा, ये टू, ये आप दोनों ऐसे देख लो। नहीं ऐसे निकल जाएगा ना, ये इसका है क्या, बाद में निकाल लेंगे छोड़ो। ये भी एक है, तो ये है रेनबो वाली पिन जिसके सांप लटक रहे हैं। इसके सिर में लटक जाते हैं, और ये टू पिन्स है, ऐसे मत समझना ये जॉइंट होगी तो एक पिन है, टू पिन्स है। ये स्माइरा की एक ड्रेस के साथ आई थी,
मैचिंग। ये टॉप था और ये नीचे लहंगा था। क्यों दे सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है मायरा आपको। ये भी साइड कॉम मैरून कलर का, और ये है क्राउन वाली पिन। ये शायद तक मेरा फोर्थ बर्थडे है। नहीं, ये आपको गिफ्ट आया था लेकिन हमने शायद यूज नहीं किया इसको। ये गिफ्ट आया हुआ है। ये येलो बो आइसक्रीम, और जैसे कि ये स्मायरा वाला हेयर बैंड था तो उसके साथ मेरे को एक स्मायरा वाली पिन भी रिसीव हुई थी। इसका टूट गया। ये बहुत लगाई है स्मायरा ने लॉकडाउन में, राइट? ये देखो क्यूट सी मैरून कलर की पिन। और ये मम्मा और मेरे को एक कॉम्बो आया था, तो मम्मा की बहुत बड़ी पिन थी ये। ये मेरी है, मेरी आपकी कवर में पड़ी है। मेरी कबड़ में डाल दी, देख लो। ठीक है ठीक है, तो मम्मा ने बोला ये बड़ी वाली बो तू पहन ले, मैं तेरी पहन लूंगी। बच्चों के बड़ी सूट करती है ना, क्योंकि मम्मा को इतनी बड़ी बड़ी बोज अच्छी नहीं लगती है, मम्मा छोटी लगाई है इसलिए मम्मा ने छोटी लगाई थी। ये फिर से पीच कलर का साइड कॉम। मेरे पास साइड कॉम तो बहुत ज्यादा है। और ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा रैबिट था या प्रिंसेस थी याद नहीं है मुझे, और टूट गया। ये गोल्डन कलर की, और ये है वाइट कलर की पिन। ये है येलो कलर की पिन। ये देखो मुझे वो अभी मैंने पिन रखी है ना, दोनों को उतर गया। हाँ। ये फिर से पिंक कलर का रैबिट, और ये है रेड कलर का रैबिट, और ये मेरे को पिंस चाहिए थी। हमारा एक शूट था तो मम्मा हमें इतना दूर लेकर गई कि ये पिंस हमें चाहिए क्योंकि हमें फोटोस करवानी है तो अच्छा लुकअप चाहिए हमें, तो इसीलिए मम्मा ने ये दो पिंस के लिए इतना दूर हम गए, कभी ये प्लेस पर कभी वो प्लेस पर। ये दो पिंस है गाइस, ये दो पिंस है, देखिए आप, ये दो पिंस है। चलो दो पिंस के लिए कौन जाता है इतना दूर, अगर हम जाएंगे तो कोई 5-6 पिंस तो लेकर आएंगे ना। दो निकाल ली दो पिंस के लिए, अभी और भी होंगी। और ये डिफरेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं डायमंड। ये देखो एक और निकली है। ये स्मायरा की ड्रेस के साथ आई थी। ये जो स्मायरा वाला गाउन था ना उसकी फोटोज मेरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, तो वो उसकी एसेसरी है टिक टिक पिन वाली। ये भी पिंक कलर की बो है, और ऐसा मेरे पास एक हेयर बैंड भी है। गोल्डन बो, ये कहाँ लगाया था हमने? ये भी कोई फ्लावर था, छोटा सा फ्लावर है, देखो साइड पर लगाने के लिए, साइड पर लगाने के लिए, पर इसकी कोई पिन नहीं है, टिक टिक पिन, कोई सुजाता पिन कुछ नहीं है इसका। हाँ तो इसको ऐसे ही लगाते हैं ना डायरेक्ट, डायरेक्ट और गिर जाएगा। हाँ तो इसके पिन से लगा देते हैं ना बाद में, तेरे तो वैसे भी नहीं टिकेगा। ये भी एक ब्लैक कलर की पिन है। बस खत्म हो गया स्मायरा, एक ही रह गया क्यूट सा वाइट, बस ये तो पेपर्स हैं, पिन्स के पेपर्स हैं। ये भी टूट गई है, पिन टूट गई है। ये बनाना क्लिप है फर वाला। ये बनाना क्लिप नहीं है, ये क्लचर है। हाँ, बनाना तो क्लिप के वो ऐसे लगा सकते हैं ना हम इसको, ऐसे लगा सकते हैं तो ये क्लचर है। चलो क्लचर है गाइस, क्लचर है, ये बनाना क्लिप नहीं है, सॉरी मुझसे गलती हो गई बोलने में, अब ठीक है? यस। बहुत गलतियां निकालती है मेरी ये, हम इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं। ओवर वैसे तो ओवर हो गया है, ये मतलब बास्केट वाला ओवर हो गया है, ये बैग वाला ओवर हो गया है, लेकिन हमारे घर में अभी तक ओवर नहीं हुआ है। कुछ कुछ हेयर बैंड्स कबड़ में होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, क्योंकि यूज करती है यहाँ से निकालती है और रखती यहाँ पे नहीं है, जो रखे हुए थे वही रखे हुए थे, जो हम यूज करते हैं कबड़ में रख देते हैं या फिर टीवी कैबिन पे रख देते हैं। कभी कभी तो मैं अपनी बुक शेल्फ में रख देती हूँ। हाँ वहाँ रख देती है, ऐसे करती है। मेरे चार प्लेन हेयर बैंड थे वो मेरे को मिलने, वही तो बात है, वही तो मैं बता रही हूँ ब्यूटी फैमिली को आपके कारनामे।
इतनी बड़ी बास्केट इसको लेकर दी है, फिर भी इसका सामान इधर उधर होता रहता है। तो आप सबकी डिमांड पे ये था स्मायरा का हेयर एक्सेसरी कलेक्शन। कौन सा हेयर बैंड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में बता दो, कौन सी पिंस अच्छी लगी आपको वो भी आप कमेंट्स में बता दो, और कौन सा पॉम्पम वाला हेयर बैंड आपको अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और ये ग्रे वाला भी है, इसका कलर लिख देना आप, यस ग्रे पिंक व्हाइट येलो या फिर ग्रीन। ओके तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।